नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। और आपको पता ही है इस स्टॉक को लेकर के मैं कितना बुलिश हूं। अगर आपने सुजलोन को मिस कर दिया है तो यकीनन ये एक बड़ा ट्रेंड को तैयार होते दिख रहा है। कुछ इंडिविजुअल न्यूज नहीं है, लेकिन अगेन एक बड़ा बिग ब्रेकआउट होते दिख रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बने रहना चाहिए एक बड़े रिटर्न के लिए। तो एपिसोड में आगे बढ़े आगे और इस ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से अकाउंट ओपन कर लें, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यहां देखेंगे तो पिछले 5 डेज के रिटर्न निगेटिव थे, लेकिन अगेन स्टॉक जो है काफी बड़ा रिवर्सल दिया है। और यहां देखेंगे कि 9 के आसपास के लेवल से स्टॉक में वन साइडेड ट्रेंड दिखा और इस समय 15% के रिटर्न तो पिछले 5 डेज के ही दिख रहे हैं। पिछले 1 मंथ के 4% इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि पिछले 1 मंथ में स्टॉक एक जोन में कंसोलिडेट हो गया था। और यहां देखेंगे लोअर लेवल हायर लेवल से स्टॉक में 12-15% तक के करेक्शन दिखे और अगेन स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया है। अगर बात करें इसके रिसेंट के कुछ इंडिविजुअल न्यूज के तो कुछ भी न्यूज नहीं दिखेंगे, सभी कॉमन न्यूज है। यहाँ आर्बिट्रल जो जीत हुई थी वो तो भेल की ही हुई थी, लेकिन उसका भी कुछ खासा इम्पैक्ट जयप्रकाश पावर पे नहीं दिखा। और 240 करोड़ जो है पेमेंट करने थे स्टेट गवर्नमेंट को, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल वाली न्यूज थी। इसके अलावा कुछ भी इंडिविजुअल न्यूज नहीं है। जो टेक्निकल है वो अगेन अप ट्रेंड हो चुका है, डिलीवरी बेटर दिख रही है और मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक जयप्रकाश पावर है। और जहां कहीं भी न्यूज दिखाया जा रहा है आप समझिए वो मैनिपुलेशन है। एक बार वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे, वॉल्यूम एनालिसिस के थ्रू देखेंगे तो लास्ट टाइम जो इस स्टॉक में जो हायर वॉल्यूम दिखा था ये हायर वॉल्यूम दिखा और स्टॉक के जो हाई रहे थे वो 10 रुपीज 35 पैसे के रहे थे हायर वॉल्यूम के साथ। उसके बाद स्टॉक ने 8 रुपीज 35 पैसे के लो बनाए और अगेन यहां देखेंगे हायर वॉल्यूम के साथ ये जो लेवल था इसको ब्रेकआउट कर दिया, यानी स्टॉक में स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और एक बड़े ट्रेंड के लिए तैयार होते दिख रहा है। अब इस स्टॉक के चार्ट को देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा कि मैंने कहा कि ये एक बेस्ट वैल्यू बाइंग जोन है अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं। लोगों का मानना था कि 5, 6, 4 ये सब लेवल लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन एक बार इसके फाइनेंशियल्स को देखें किस प्रकार से डेट को रिकंस्ट्रक्ट करा है और इस समय एक बड़े टारगेट के लिए तैयार होते दिख रहा है। 11 इज अ मेजर रेजिस्टेंस जोन, वंस इट विल क्लोज अबव दिस लेवल देन इजली 160-200% के लेवल 27 तक का टारगेट दिखेगा, पहला टारगेट 16 होगा। बिल्कुल पैनिक नहीं करें, बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार होते दिख रहा है, मल्टीपल टाइम इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है, अब की तेजी पूरा एकदम 90% वाला ट्रेंड दिखेगा।